नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन PSU स्टॉक के डिविडेंड के अमाउंट और उनके रिकॉर्ड डेट, अगर पेमेंट डेट है तो उसके बारे में हम लोग यहां पे जान लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड, सेकेंड में है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर और थर्ड में है कोचिंग शिपयार्ड। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की। ऑयल इंडिया लिमिटेड 221 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है और इसके डिविडेंड की जो घोषणा है वो 3.5 रुपए पर इक्विटी शेयर पे है और इसकी रिकॉर्ड डेट आपको 24 नवंबर 2021 की दी गई है। और आपको इसमें पेमेंट की डेट डिक्लेयर नहीं की गई है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूजुअली जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है या AGM होता है, आप मान के चले उस डेट से एक महीना के अंदर आपको ये पेमेंट कर दी जाती है। ओके, दूसरा स्टॉक है हमारा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, अभी 79 रुपीज़ के आसपास कामकाज कर रहा है। इसमें आपको डिविडेंड का अमाउंट 1.35 रुपया पर इक्विटी शेयर आपको घोषित किया गया है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो आपको 25 नवंबर 2021 की है। तीसरा स्टॉक है हमारा कोचिंग शिपयार्ड, अभी ये 370 के आसपास कामकाज कर रहा है और इसके डिविडेंड के अमाउंट 6 रुपये पर इक्विटी शेयर रखी गई है और इसका आपको रिकॉर्ड डेट 24 नवंबर 2021 की है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी घोषित कर दी गई है कि 10 दिसंबर 2021 से पहले या 10 दिसंबर 2021 तक आपको इसकी पेमेंट डिविडेंड की आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, आपका दिन शुभ हो।